हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स दिस बरखा गुप्ता योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास टेंथ सो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में हम क्लास टेन कंप्यूटर एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर टू कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सर्विस का टाइप दैट इज ई लर्निंग ओके सो बिफोर दिस वीडियो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको टाइप्स ऑफ वेब सर्विसेज वेब सर्विसेज क्या होती हैं ठीक है तो चैट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने कंप्लीट कर लिया है होप आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा अब यदि एग्जाम में चैट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड कुछ भी आता है टाइप्स एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन एरियाज वगैरह आप सब लिख सकते हो आसानी से राइट आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वेब सर्विस ई लर्निंग दैट इज इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग तो पहले तो ये समझ ले कि लर्निंग क्या होता है ठीक है 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 लर्निंग मतलब सीखना ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है, लेकिन आप हर पर्सन की बात कर रहे हैं हम कि चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो टीनेजर हो या कोई ओल्ड पर्सन हो ठीक है हर पर्सन कहीं कहीं ना कहीं से कुछ, ना कुछ सीखता है ये सभी मानते हैं अच्छे से बात ठीक है अब हो सकता है आप स्कूल जाके कुछ पढ़ते हो ठीक है या कोई पर्सन जब बिजनेस में कोई इंप्लॉय है जो बिजनेस कर रहा है तो वो वहां से कुछ सीखता है ठीक है आप बुक्स से पढ़ते हो मैगजीन से पढ़ते हो ठीक है आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हो इंटरनेट का यूज कर रहे हो ठीक है तो जब आप इंटरनेट का यूज करते हो इलेक्ट्रॉनिकली आप कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो तो उसी को कहते हैं ई लर्निंग बेसिकली ये क्यों यूजफुल होती है जब कोई बहुत दूर में है बहुत डिस्टेंस में है ठीक है तो डिस्टेंस लर्निंग हम एक तरीके से पॉसिबल कर सकते हैं किसका यूज करके ई e लर्निंग का यूज करके तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ई e लर्निंग कैसे यूजफुल है है क्या इसके ठीक किन एप्लीकेशन एरियाज में यूज हो रही है बेसिकली इसका जो मेन मोटिव है वो होता है एजुकेशन में ठीक है कि एजुकेशन में ही हम ई e लर्निंग को सक्सेसफुल मानते हैं बट ऐसा नहीं है अदर देन एजुकेशन स्टूडेंट्स के अलावा भी इंटरनेट पर ऐसे बहुत से लर्नर्स होते हैं जो अलग अलग चीजों को सीखते हैं स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई से रिलेटेड के अलावा भी इंप्लॉय होते हैं यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं ठीक है हर एक पर्सन अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ इंटरनेट पर सर्व करता है सीखता है ठीक है क्लियर हुआ अच्छे से सो so, आज की वीडियो में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ई लर्निंग क्या होता है कैसे एक क्लासरूम से ई e लर्निंग में क्या डिफरेंस है क्लासरूम आज लर्निंग में कैसे कन्वर्ट होते जा रहे हैं राइट right? वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे सो ई लर्निंग रिफर्स टू द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रॉनिकली सिम्युलेटेड इनवायरमेंट क्या है ई लर्निंग ई लर्निंग रिफर्स टू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रॉनिकली सिम्यूलेटेड इनवायरमेंट मतलब वो इन्वायरमेंट जहां पे आप कुछ सीख रहे हो पढ़ रहे हो बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग सम कंप्यूटर लैपटॉप पीसी जैसे डिवाइसेस ओके सो उसे क्या कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग ई लर्निंग आप कैसे करते हो इसके क्या सोर्सेज होते हैं तो इसके सोर्सेज की यदि बात करें तो क्या बोल सकते हो आप आपकी आप गूगल से पढ़ते हो आप यूट्यूब से पढ़ते हो या फिर आप बनी बनाई कुछ वैब एप्लीकेशंस होती हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको डाउनलोड करते हो फिर उसके अकॉर्डिंग स्टडी करते हो जैसे यदि हम बात करें मैग्नेट ब्रेन्स की तो मैग्नेट ब्रेन्स को आप गूगल से वेबसाइट का यूज करके भी स्टडी कर सकते हो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स में यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल होती है आपके चैप्टर से रिलेटेड कोर्स से रिलेटेड आप वहां से भी पढ़ सकते हो ठीक है या फिर मैग्नेट ब्रस का एक ऐप है एक सॉफ्टवेयर है जो वे...

आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में इंटरनेट लर्निंग के नाम से ऑनलाइन लर्निंग के नाम से भी आप इसको जान सकते हो या फिर वेब बेस्ड लर्निंग के नाम से भी ये जाना जाता है ठीक है तो याद रखना कि वेब बेस्ड लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग कुछ भी आ जाए सबका मतलब क्या है ई लर्निंग ही है तो लर्निंग अलग अलग तरीके से हर पर्सन अपनी नीड के अकॉर्डिंग करता है

कैन बी डन यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन अनेटवर्क एन इंटरनेट और स्टोरेज डेस्क अब ई लर्निंग के लिए आपको क्या चाहिए होता है आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए विद हाई स्पीड ओके नेटवर्क नाउ इंटरनेट इज ऑल्सो पॉसिबल यदि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और वो बिजनेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा हाई लेवल का बिजनेस कर रहे हैं उनके वहाँ सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत है ठीक है तो वो एक प्रा, प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे जिसे इंट्रानेट कहते हैं ठीक है और स्टोरेज डिस्क अब स्टोरेज डिस्क की बात कर ले तो जो भी वीडियोज है ऑडियोज है जिनका यूज कर रहे हो आप टीचिंग के लिए है ना जिन सोर्सेज का यूज कर रहे हो तो उसे कहीं ना कहीं सेव भी तो करना पड़ेगा तो स्टोरेज डिस्क इज दी अनादर

वर्चुअल में 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 वीडियो में, एंड एन एनिमेशन के फॉर्म पढ़ सकते हो है ना जैसे क्लास रूम में आप जाते हो जब स्कूल ज्वाइन करते हो क्लासरूम में जाते हो तो क्लासरूम में आपको टीचर ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं आप पेन पेपर स्टेशनरी का यूज करते हो बुक्स का यूज करते हो ठीक है सिंपल इसी तरीके से ई e लर्निंग में जिसका यूज किया जाता है जिस मटेरियल का यूज किया जाता है पढ़ने के लिए

लर्निंग करता है ओके okay? सो so, अब यहां देखो ई लर्निंग इज इवन बेटर देन क्लासरूम लर्निंग मेथड, क्लासरूम लर्निंग मेथड से कैसे बेटर है सो क्लासरूम लर्निंग मेथड से बेटर कैसे आप सभी बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो क्लासरूम के लिए मतलब यदि आपको स्कूल जाना पड़ता है आप सपोज ई लर्निंग नहीं कर रहे हो अब आपके स्कूल स्टार्ट हो जाने वाले हैं आप स्कूल जाओगे प्रॉपर रेडी होंगे जल्दी उठोगे बैग पैक करोगे लंच लोगे प्रॉपर स्कूल जाओगे ट्रैवल करके ठीक है कहीं ना कहीं कॉस्ट लगेगी है ना वहां तक जाने में फिर स्कूल अटेंड करोगे आपको पूरा फाइव आवर्स स्कूल में अपने देना है बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है क्लियर आप वहां पे किसी भी तरीके की कोई और एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हो अदर देन स्टडी आपको पढ़ाई करना है प्रॉपर बिल्कुल क्लासरूम में अट, प्रॉपर अटेंड होकर रहना है ठीक है सो कि इस तरीके से यदि ई लर्निंग को कंपेयर किया जाए तो ई लर्निंग कैसे बेनिफिशियल है सबसे पहली चीज तो ई लर्निंग इज टू लर्निंग मेथड सेकंड चीज देखो सेल्फ पेस्ड कि यहां पे आपको किसी तरीके का कोई काउंडेशन नहीं है आपको रेडी नहीं होना है आपको जाना नहीं है आप खुद को कैसे मोटिवेट कर रहे हो खुद को कैसे डायरेक्ट कर रहे हो पढ़ने के लिए आपके पास वीडियो है आपके पास सॉफ्टवेयर है आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है पढ़ने के लिए राइट आपके पास कोर्स है सिलेबस है सब चीजें अब आपको अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल शेड्यूल रिस्पॉन्सिबल होना है कि आप खुद को

किस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है एक थ्री डी इनवायरमेंट क्रिएट होता है ओके okay, स्टूडेंट अपने आपको एक थ्री डी इन्वायरमेंट में इमर्स करने लगते हैं सो इट कैन बी डन एनी वेयर एन एनी टाइम एज लॉन्ग एज द यूजर हैज अ प्रॉपर हार्डवेयर बस इसके लिए नीड होती है कि आपके पास प्रॉपर हार्डवेयर होना चाहिए आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो आप सो रहे हो लेट के पढ़ रहे हो बैठ के पढ़ रहे हो इट्स ऑल योर चॉइस बट क्या जरूरी है कि ई लर्निंग इज बेनिफिशियल देन क्लासरूम क्लासरूम कैसे से बेनिफिशियल है वो हमने सीखा ओके सो यहाँ तक क्लियर नाउ अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं क्या बेनिफिट्स हैं इसके हम क्यों इसको हम सिर्फ इसको स्टूडेंट पर्पज से लेकर समझ रहे हैं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके राइट right?

ठीक है ना सो so, जो कॉमन जो मेजर बेनिफिट है वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपकी बुक में भी मैंशन है सबसे पहला कि रिड्यूज ओवरऑल कॉस्ट अब आप एक स्टूल सेटअप करोगे स्कूल में आपको टीचर्स लेकर आना है आपको बहुत सारे एसेट्स खरीदना है फिर ब्लैक बोर्ड चौक ये वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है राइट और उसमें बहुत सारी कॉस्ट लगती है तो एक स्कूल को सेटअप करने में कितनी कॉस्ट लगती है और एक ई लर्निंग एनवायरनमेंट को सेटअप करने में कितनी कॉस्ट लगती है तो देखा जाए तो ई लर्निंग एनवायरनमेंट ज्यादा बेटर होता है ठीक है यहां पे कम कॉस्ट लगती है एक स्कूल uh, को सेटअप करने में या कोई ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में राइट समझ में आया है? तो सबसे पहला तो बेनिफिट क्या हुआ कि रिड्यूस्ड ओवरऑल Next is, e is interactive and अब e क्या होती है? Interactive होती है? है, क्योंकि user क्या करता है एक virtual environment को create करता है, जहां पे पढ़ता है ठीक है और कहीं ना कहीं वहां पे मल्टीमीडिया टेक्स्ट ऑडियोज का आप यूज करते हो तो एक इंटरक्टिव इन्वायरमेंट भी होता है ठीक है यूजर ज्यादा इजिली इंटरेक्ट करता है क्लियर सो so, और जब उस पर वो वर्क करता है तो उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी बढ़ता है अब ई लर्निंग इज फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल कहीं भी किसी भी जगह पर रहकर आप पढ़ सकते हो चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो आप घर में हो ठीक है या आप सोने जा रहे हो आप बेड पे हो आप किसी भी टाइम पर अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हो सो इट इज अ फ्लेक्सिबल कंसिस्टेंट डिलीवरी मतलब कि यहाँ पे क्या होता है जो भी नॉलेज आपको कंसिस्टेंट वे में मिल रहा है ठीक है आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी किसी भी नॉलेज को गेन कर सकते हो इंटरनेट का यूज करके राइट इजिली दी एडवांटेजेस और बेनिफिट्स मेजर बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग क्लियर नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अब हम इसके एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ई लर्निंग कि ई e लर्निंग के क्या क्या एप्लीकेशन एरियाज है कहां कहा इसका यूज हो रहा है सो so, बेस्ट वे क्या है इसका यूज का कि जहां सबसे ज्यादा लर्निंग का यूज हो रहा है वो है आपका फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन ठीक है फॉर्मल तरीके से एजुकेशन या नॉन फॉर्मल तरीके से एजुकेशन देना उन दोनों तरीके से ई e लर्निंग का एक बहुत अच्छा यूज हो रहा है आजकल ठीक है क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन वर्ल्ड में जी रहे हैं तो ऑनलाइन वर्ल्ड में हम बहुत सारी वेब सर्विसेज का यूज कर रहे हैं तो उसमें जो बेस्ट वेब सर्विस है वो ई e लर्निंग है और ई e लर्निंग सबसे ज्यादा जो यूज हो रही है वो एजुकेशन पर्पज से ही यूज की जा रही है ठीक है सो इट इज मेड टीचिंग ट्रेनिंग एंड लर्निंग मच ईजी है ई e लर्निंग ने क्या बना दिया टीच करना इजी बना दिया कुछ सीखना कुछ किसी को ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आप यूज कर सकते हो मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो राइट जैसे आप अपने स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस होती है ना तो आपको टीचर क्या करती है ट्रेन करती है पढ़ाती है जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप एक तरीके से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में ही पढ़ रहे हो राइट तो ट्रेनिंग इजीली आप दे सकते हो आप इजीली पढ़ा सकते हो सिखा सकते हो ठीक है सो लर्निंग मच इजियर कैसे हुई है कहा किस एरियाज में हुई है बस वही हमें आज पढ़ना है अब इस टॉपिक में आगे कंटिन्यू करना है सो विद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड रीच इन पीपल्स लाइफ ई लर्निंग हैज फाउंड इट्स एप्लीकेशन इन मेनी डाइवर्स एरियाज इंक्लूडिंग फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे ई e लर्निंग का यूज किया जा रहा है सो आइडेंटिकल कंटेंट क्विक एंड ईजी सोल्यूशन कॉस्ट एफिशियंटेबल टैबलेट कंपेटिबल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्वालिटी लर्निंग है ना क्वालिटी लर्निंग क्विक एंड ईजी वे टू प्रोवाइड द लर्निंग प्रोसेस की होल आर दी बेनिफिट्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है क्लियर हुआ अब देखते हैं एप्लीकेशन तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मल एप्लीकेशन इन फॉर्मल सेटअप देख रहे हैं हम इसके एरिया एप्लीकेशन को फॉर्मल सेटअप में तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे तो स्टूडेंट्स को क्या मिलता है ठीक है, मिलता है, एक किया है, है, मिलता है हर एक हम बोल सकते हैं कि हर एक मंथ में आपको असिस्मेंट होते हैं आपके फॉर्मेटिकमेंट होते हैं उस तरीके से है ना आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी के फॉर्म में पढ़ाया जाता है ठीक है तो एक क्लासरूम में जैसे स्टडी होती है ना वैसा ही एक फॉर्मल सेटअप आप लर्निंग में भी कर सकते हो ठीक है तो ई e लर्निंग का जो यूज हो रहा है सबसे पहले फॉर्मल सेटअप मतलब कि एक स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन को आप ऑनलाइन कर सकते हो इंटरनेट पे कर सकते हो जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी मैग्नेट विंग्स की तो मैग्नेट विंग्स में आपको क्या मिल रहा है हर एक टॉपिक हर एक सिलेबस हर एक क्लास की वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं ठीक है असेसमेंट मिल रहे हैं कोर्स मिल रहा है सिलेबस मिल रहा है ठीक है सारी चीजें आपको मिल रही है आपके स्कूल से भी अभी आपको जब ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड की जा रही है तो आपको सारी चीजें ऑनलाइन मिल रही है ना होमवर्क ऑनलाइन मिल रहा है असेसमेंट ऑनलाइन मिल रहा है कोर्स सिलेबस सब आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाता है आपके फोन में राइट right? तो बस वही क्या हुआ एक ई लर्निंग सेटअप हुआ एक फॉर्मल सेटअप हुआ ठीक है जिसमें सारी चीजें एक सीक्वेंस में फॉलो की जा रही हैं सो ई लर्निंग वेयर दिस टाइप ऑफ ई लर्निंग इन्वॉल्व्स कोर्सेस रिलेटेड टू स्पेसिफिक सिलेबस व्हिच इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम समझ में है यहां पे क्या बता रहे हैं? इस टाइप की जो ई e लर्निंग होती है जो कोर्स वेयर लर्निंग होती है उसमें एक स्पेसिफिक सिलेबस से रिलेटेड होती है ठीक है जिसमें आपको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना है, उसमें आपको क्या सिलेबस दिया हुआ है उसके बारे में स्टडी करनी है लर्निंग करनी है ठीक है नेक्स्ट ई क्लासरूम ई क्लासरूम में भी यूज किया जा रहा है जैसे कि दिस ई लर्निंग सेटअप सिम्युलेट द क्लासरूम बाय इन्वॉल्विंग क्लास एक्टिविटीज लाइक क्लास असाइनमेंट क्लास डिस्कशन कॉन्फ्रेंसिंग में आपकी ऑनलाइन जो क्लास मीटिंग्स होती है उसमें क्या होता है सारे स्टूडेंट्स आते हैं साथ में दिखते हैं टीचर दिखते हैं ठीक है अब टीचर के साथ में आप कम्युनिकेट करते हो डाउट्स होते हैं जो सॉल्व करते हो कुछ असाइनमेंट्स होते हैं कुछ होमवर्क होता है जो आपको वो सेंड करते हैं सो एक ई क्लासरूम में भी बहुत अच्छे से ई लर्निंग का यूज हो रहा है असेसमेंट असेसमेंट्स का मतलब क्या हुआ दिस सेट ऑफ कंडक्ट ऑनलाइन असेसमेंट एंड क्विजेस टू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ई लर्निंग से जो सीख रहे हैं ना यहाँ पे जो सिलेबस पढ़ रहे हैं कोर्स वेयर सॉफ्टवेयर का यूज करके जिस कोर्स में इनरोल हो रहे हैं ठीक है तो so, उनसे वो क्या सीख रहे हैं उसके लिए टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं समझ में आया तो एक एप्लीकेशन एरिया असेसमेंट भी हुआ क्लियर सो तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या सीख रहे हैं क्विज के फॉर्म में टेस्ट के फॉर्म में आप असेस कर सकते हो क्लियर ई सिम्युलेशन क्या हुआ सिमुलेशन e मतलब जो चीजें क्या कर सकते हो आप एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नहीं सीख सकते हो वो आप ई e so, e आपको हर चीज डिटेल में करके मिली जाएगी, शो की जाएगी कॉन्सेप्ट अदरवाइज नॉट पॉसिबल टू शो इन प्रैक्टिकल जो कि प्रैक्टिकली शो नहीं कर सकते हो आप ई e लर्निंग में सीख सकते हो जैसे फॉर एक्साम्पल ये जो सारे हैं, है ना? इसको आप प्रैक्टिकली नहीं देख सकते हो तो आप इस तरीके से वे में सीख सकते हो बाई यूजिंग सिमुलेशन तो ये चार एरियाज हुए जो फॉर्मल सेटअप से यूज किए जा रहे हैं ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन फॉर्मल सेटअप ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे देखो क्या होगा नॉन फॉर्मल के अकॉर्डिंग गेम बेस्ड बिहेवियरल डेवलपमेंट नेक्स्ट है लर्निंग सपोर्ट सोशल कलेबोरेट लर्निंग मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अब इसको थोड़ा सा अदर देन अपने स्कूल और स्टडी से समझना है ना सपोज आपको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है तो आप क्या करते हो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ ऑनलाइन कोर्स सर्च करोगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन सा अच्छा स्कूल है कौन सा ऐसा वेबसाइट है है ना या फिर कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रही है ठीक है आप कितनी है ऐसी जिसमें आप फेस कर सकते हो आप अपने आप को करते हो ठीक है वहां से ट्रेनिंग लेते हो क्लियर कोई कोच होता है जो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है है ना ऐसे अलग अलग कोर्सेज होते हैं जिसमें अलग अलग पर्सन अपनी रिक्वायरमेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ज्वाइन करते हैं तो वहां पर देखो गेम बेस्ड बिहेवियरल डेवलपमेंट भी होता है तो ये भी एक फील्ड है है ना जहां पे यूज किया जा रहा है ई लर्निंग का दिस टाइप ऑफ ई लर्निंग ऑफर्ड थ्रू स्ट्रेटेजिक गेम प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा गेम्स के अकॉर्डिंग आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ठीक है मतलब गेम्स ट्रिक्स पजल्स इन सारी चीजों का यूज किया जाता है यहाँ पे स्टूडेंट को सिखाने के लिए अंडरस्टैंड

E में क्या देख रहे हो आपकी ई e लर्निंग में आप इलेक्ट्रॉनिक वे में अलग अलग तरीके से learning सीख रहे रिलेटेड लर्निंग रिलेटेड एड्स होते हैं कोई कोचिंग का एड आता है ठीक है तो आप क्या देखते हो कि हाँ यहाँ पे कोचिंग यह है यहाँ पे कोर्स यह अच्छे से मिल रहा है, है ना कम अमाउंट में मिल रहा है राइट तो ऐसे कुछ एड्स आते हैं कुछ कोर्स से रिलेटेड एड आते हैं सपोज आपको कोई जावर जावा का कोर्स करवा रहा है तो आप वहां देखते हो हाँ यहाँ जावा का कोर्स बहुत अच्छे से हो रहा है तो ऐसे लर्निंग एड्स का यूज करके भी आप अपने जॉब ओरिएंटेड परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा सकते हो राइट सो so ये भी एक फील्ड होती है नॉन फॉर्मल सेटअप जिसका यूज करके हम क्या करते हैं ई e लर्निंग को कंटिन्यू करते हैं ना सोशल कलाबरेट लर्निंग सोशल कलाबरेट लर्निंग क्या हुआ यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहां पे इस टाइप की लर्निंग में स्टूडेंट्स अपने आप को सोशल कैसे लोगों के साथ में डील करना है वो सीखते हैं ठीक है कैसे एक कोलाबरेटिव वे में हमें लर्निंग करनी है वो सीखते हैं टीम वर्क कैसे डेवलप करना है सो दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज यूजफुल फॉर कंडक्टिंग सोशल एक्सपेरिमेंट्स एंड मास लर्निंग ठीक है यूजअली कंडक्टेड बाई गवर्नमेंट जो यूज किसके थ्रू कंडक्ट की जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू एनजीओ के थ्रू और बिग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्लियर सो ऐसे वेबसाइट होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं गवर्नमेंट के एनजीओ के जो हमें क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आपको कोलॉबरेटिव वे में लर्निंग करनी है राइट मैसिव ओपन सोर्स ऑनलाइन कोर्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स अब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इन सभी के अलावा भी इंटरनेट पे आपको इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिलना है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑफ स्टूडेंट्स या हम बोल सकते हैं इनरोल होते हैं जो क्या करते हैं स्टडी करते हैं लर्निंग करते हैं ठीक है सो मैसी ऑनलाइन कोर्सेज दैट आर डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉनिकली टू मैसिव मैसिव ओपन इज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्सनेट मतलब उन सॉफ्टवेयर को यूज करके थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग सीख रहे हैं कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं मैसिव ऑफ टीचर्स होंगे जो क्या कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं समझ में आई मेरी बात अच्छे से सो so, क्या हुआ आज का टॉपिक क्लियर हुआ अच्छे से जिसमें ने क्या देखा कि ई e लर्निंग क्या होता है इस एप्लीकेशन एरियाज़ में यूज किया जा रहा है ठीक है क्या बेनिफिट है क्लासरूम से कैसे डिफरेंट है ओके okay. क्या क्लासरूम के अकॉर्डिंग बेनिफिट है ई e लर्निंग के भी फाइन कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको ई लर्निंग प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे होते हैं क्यों उसको बेस्ड लर्निंग कहते हैं क्योंकि आप गूगल याहू या, या फिर आप बोल सकते हैं यूट्यूब या आप प्रॉपर बनी बनाई एप्स जो आती है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ई e लर्निंग के लिए ही बनाए जाते हैं वही सॉफ्टवेयर को अब हम डिस्कस करने वाले हैं द ई लर्निंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म आर यूज बाय टीचर्स ऑथर्स कोचेस एक्सेट्रा देखो वही सारी बात आ गई कि ई लर्निंग सॉफ्टवेयर को कौन यूज कर रहा है सब अपने अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग ई लर्निंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं ठीक है कोई बिजनेस में कोई इंप्लाई है उसको ट्रेन करना है तो वो ट्रेनिंग के लिए कोई ई लर्निंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है कोई टीचर है जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो वो अपने लिए कोई टीचिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं राइट right? कोई स्पोर्ट्स टीचर है है ना तो वो जो कोच है वो अपने स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर है उसका यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए तो हर तरीके से अलग अलग फील्ड में इसका यूज किया जा रहा है ठीक है सो so, सम पॉप्यूलर ई लर्निंग सॉफ्टवेयर आर जो पॉप्यूलर ई लर्निंग सॉफ्टवेयर है ये नाम याद कर लेना इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि नई मैनी टू पॉप्युलर ई लर्निंग सॉफ्टवेयर तो आप क्या लिख कराओगे राइट सो so, इसलिए बता रही हूं मूडल ऑल एट ई फ्रंट एच फाइव पी वेब सेमिनार्स जो होता है एक वो वी डे मी आर्टिक्यूलेट ऑडा सिटी स्किल शेयर एक्सेट्रा दिस ऑल आर दॉप्युलर E देखो स्किल ओलेट इन सबके एनिमेटेड इमेजेस मैंने यहाँ पे लगाई हुई है ताकि आपको सब अच्छे से समझ में आ सके क्लियर सो होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया अच्छे से क्लियर हुआ अब यदि एग्जाम में ई e लर्निंग के बारे में लिखने को आता है तो आप ई e लर्निंग के बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते हो राइट right. कॉन्सेप्ट तो भी आपको क्लियर हुआ होगा यदि वीडियो अच्छी लगी है समझ में आई है तो आप इसे एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब के साथ साथ की से भी, जैसे क्लास टेन सिलेक्ट करोगे तो आपको शो होगा यहाँ पे क्या सारे सब्जेक्ट्स जहां पे आपको करना है, क्लास टेन कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लिक ऑन नाउ पे क्लिक करोगे तो खुल जाएगा आपके सामने प्लेलिस्ट पूरा कंप्यूटर एप्लीकेशन का में हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिल जाना है प्रैक्टिकल के साथ जिस भी किसी टॉपिक में डाउट है, को क्लिक करना वॉचनाजुकेशन तो so, कर, प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव अच्छा 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 कर सकते हो सो so, मिलेंगे